तो एक समय होता था जब ग्रीन टी बहुत कम चलन में थी, बहुत कुछ लोग ही ग्रीन टी का सेवन किया करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी की वजह से ग्रीन टी हर घर में देखी जाने लगी है। बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं अपने वजन को कम करने के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। लेकिन क्या आप भी ग्रीन टी का सेवन गलत समय पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है फायदे की जगह पर? तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा चार ऐसी स्थितियों के बारे में जिनमें बिल्कुल भी आपको ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर आप ग्रीन टी का सेवन इन सिचुएशंस में करते हैं तो ये ग्रीन टी आपको फायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ग्रीन टी एक आम ऐसी पेय पदार्थ जो हम अपने घरों में नॉर्मली इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन क्या आप उसे सही समय पर इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपको उससे पूरा फायदा मिले? यही है आज इस वीडियो का एजेंडा। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप रात को नींद नहीं आने की बीमारी से परेशान हैं, आपको इंसोमनिया है, आपको अनिद्रा रहता है, तो आपको रात को सोने से पहले ग्रीन टी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर होने वाला कैफीन आपकी नींद को और भी ज्यादा दूर भगा सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं आपके इस बीमारी से और भी ज्यादा। अगर आपको ये बीमारी नहीं भी है और आप एक आम व्यक्ति हैं जिसे जनरली नींद आ जाती है, तो अगर आप ग्रीन टी को रूटीन में रात को सोते समय इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रात को सोते समय आपको ग्रीन टी बिल्कुल भी नहीं पीनी है। नंबर दो जो सिचुएशन आती है दोस्तों, वो आती है सुबह सुबह खाली पेट ग्रीन टी पीना। जब आप सुबह सुबह खाली पेट ग्रीन टी पीते हैं तो आपने पिछले 6 से 10 घंटों तक कुछ भी नहीं खाया होता, और ऐसी सिचुएशन में आपका जो स्टमक होता है वो ऑलमोस्ट एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, और इस रेस्टिंग स्टेज में जब आप ग्रीन टी डालते हैं तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से आपके डाइजेशन सिस्टम को तकलीफ हो सकती है, आपका डाइजेशन सिस्टम अंदर ही अंदर नुकसान की स्थिति में आकर के खोखला हो सकता है और आपको आगे करके कई सारी बीमारियां दे सकता है। तो अगर आप सुबह सुबह खाली पेट उठकर के ग्रीन टी पीने के शौकीन हैं तो प्लीज रुकें, थोड़ा सा कुछ खाएं और उसके बाद में कुछ आप ले सकते हैं। नंबर तीन, अगर आप खाने के तुरंत पहले या खाने के तुरंत बाद अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो ऐसा करने से बचें। कम से कम खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको ग्रीन टी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली बाद में लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते और आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी शिकायतें होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप अपने आप को ब्लोटिंग होते हुए फील करते हैं या आपके शरीर में एसिडिटी दिखती है तो डेफिनेटली आपको ग्रीन टी को खाने के तुरंत बाद लेने से बचना चाहिए। नंबर फोर और लास्ट सिचुएशन आती है दोस्तों, दवाइयों के साथ ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग नाश्ते में बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, जो भी उनकी बीमारियां हैं उसके हिसाब से, और इस दवाई के साथ में वो चाय लेना पसंद करते हैं, और वो लोग जो चाय नहीं लेते वो ग्रीन टी ले लेते हैं। ग्रीन टी अगर आप लेते हैं अपनी चाय के साथ में, अपनी दवाइयों के साथ में, तो डेफिनेटली जो दवाइयों का जो एब्जॉर्प्शन आपके ब्लड में होना चाहिए वो अच्छे से नहीं होता, जिसकी वजह से आपको उन दवाइयों का 100% बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सो कोशिश करें कि अगर आप दवाई ले रहे हैं तो उसे पानी या दूध के साथ ले लें, और उसके आधे घंटे से पौने घंटे बाद आप आराम से अपना ग्रीन टी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चारों जो सिचुएशंस हैं इनमें ग्रीन टी लेने को अवॉइड करेंगे और आप देखेंगे कि आपके शरीर में ग्रीन टी 100% रिजल्ट्स दे रही है। आपका प्यार आपने हमें बहुत सारा दिया है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से इस चैनल पर अपना प्यार बरसाते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।